नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10th का भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट मैथ का लेकर मैं आ गया हूँ। आप चलिए तो हम लोग इस समय न गंवाते हुए इसके प्रश्न इन सभी प्रश्नों को हल करके आसानी से सीखते हैं कि कैसे हम लोग हल करेंगे और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लोग देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है गड्डी के एक पत्ता निकाला जाता है तो तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो तस्वीर वाला पत्ता दोस्तों, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो 52 हमारा कुल संभावना हुआ, और इसमें तस्वीर वाला जो पत्ता होता है यानी ताश को गड्डी को चार पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है आपका दो दो रंग तो दो होते हैं, काला और एक होता है लाल। तो काला में जो होता है दोस्तों 26 पत्ते होते हैं, 26, और लाल में भी 26 होते हैं। इन दोनों को भी दो पार्टों में बांट दिया जाता है। एक आपका हो जाएगा काला पान, काला पान हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा काला पान, और दूसरा हो जाएगा आपका काला को चीरी और काला पान दो पार्टों में बांटा जाता है। दोनों में 13-13 पत्ते होते हैं। इसमें भी लाल पान में बांट दिया जाता है और ईटिया में बांट दिया जाता है, यानी कि इसमें भी 13, इसमें भी 13, 13 26 हो गया, 13-13 फिर 26, यानी कि टोटल 52 होता है। तो प्रत्येक ये चारों प्रकार के जो पत्ते होते हैं इन सभी में तस्वीर वाला जो पत्ते होते हैं, जैसे इसमें होता है बीबी, बीबी या बेगम एक ही होता है, गुलाम, बादशाह, यानी तीन ठो इसमें होता है, तीन इसमें होता है, तीन इसमें होता है, तीन इसमें, यानी 3 चौके 12, यानी टोटल हो गया 12। तो हमारा घटना जो हो रहा है 12 बटे, टोटल संभावना था 52, तो 12 बटे 52 यानी काटिएगा आप तो 4 3 12 और 13 चौका 52, यानी 3/13 थे। इसका दोस्तों आंसर होगा 3/13, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो 44, ये देखिए यहाँ पे परिधि 44 दिया है, तो परिधि आप जानते हैं कि 2πr होता है 44, और r का वैल्यू निकालना है तो 2π/ में आ जाएगा, और पाई का मान भरेंगे 22/7, तो 7 देखिए दोस्तों बटा के नीचे बटा रहता है तो नीचे वाला जो अंक है ऊपर चला जाता है, यानी अब इसको काट लीजिए तो 22 2 44 और 2 से 2 कट गया, तो यानी दोस्तों क्या बचेगा 7, यानी कि त्रिज्या क्या हो गया हमारा 7। तो देखिए यहाँ पे 7 मीटर जो है त्रिज्या आपका ऑप्शन बी उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार और 16 खाली हैं, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए एक लॉटरी में जो है 8 पुरस्कार और 16 खाली, यानी टोटल जोड़ेंगे तो हमारा संभावना हो जाएगा यानी 24। तो बोला जा रहा है कि पुरस्कार वाले यानी कि तो घटना क्या हो गया, पुरस्कार वाला 8 है यानी 8/24 काटिएगा तो 8 3 24 यानी 1/3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा कि 1440 में 2 की घात अधिकतम होगी। 1440 को चलिए हम लोग निकालते हैं, 72 हो गया, 36 18, 90 45, 15 5 5 5, ये यहाँ पे 2 की संख्या, 1 2 3 4 5, 5 बार आई यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 5। तो यानी दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 2 का ही अधिकतम घात है, 2 का अधिकतम घात कितना है 5, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ से मॉडल सेट 3 स्टार्ट होता है। चैनल का नाम आइडियल स्टडी पॉइंट, क्लास 10th VVI, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर फॉर एग्ज़ाम 2019 BSEB बिहार बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के लिए है। तो चलिए इसमें हमारा मॉडल सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। तो जब भी विवेचक निकालना हो तो दोस्तों मैं बताऊँ कि b² - 4ac यानी b का वैल्यू यहाँ पे रहता है x में जो सटा रहता है, यानी -4 का² - 4, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे जो x² में जो सटा रहता है, यानी a का वैल्यू हो गया 3,
टू, और आपका सी का वैल्यू हो गया 3, यानी कि 4 में 8 3 के 24, यानी 16 माइनस 24 कितना आ जाएगा, -8। था दोस्तों इसका उत्तर होगा -8, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय होता है, √7 अपरिमेय होता है, लेकिन ये जो है 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 निकल जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ये 16/√25। √16/√25 यही उत्तर होगा, ये तो आपका अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय पूछा गया है या नहीं, √16/25। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद में बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र, तो -b/a, तो माइनस अब बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी -b में है यानी -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस यानी 2, और सी सी बट सॉरी -b/a, ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं सटा रहता है, 1 है तो 1, तो 2 में 1 से आप भाग दीजिएगा तो 2 आता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते, नेक्स्ट प्रश्न बताया जा रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो, तो एनवा पद निम्नलिखित में से होगा, तो एनवा पद निकालना हो तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि a+n-1 × d, यही आपका आंसर होगा, एनवा पद निकालने का यही सूत्र है। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2:3, तो दोस्तों आपका जब भी भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर लीजिए, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई है, तो यदि पी ए बराबर 8 cm तो पी बी बराबर क्या होगा, तो पी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींचा जाता है, तो पी ए यदि 8 है 8 cm है, तो पी बी भी आपका 8 ही cm होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, तो ये पी ए बराबर 8 cm तो पी बी बराबर भी 8 cm होगा, यानी आंसर होगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक 1+tan² θ बराबर होता है, तो 1+tan² θ जो ये सूत्र होता है ये sec² θ का होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता, तो सिक्का जो होता है उसमें 2 संभावना होता है, और चीत जो यानी कि घटना 1 है, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी कि घटित संभावना 1 है और कुल संभावना 2, यानी 1/2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा, तो इसका बहुलक निकालना हो दोस्तों तो आपको पता होगा कि जो सबसे अधिकतम बार आता है वही हमारा इसका बहुलक कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, 2 बार आया है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा, आंसर डी बी 3। अगला प्रश्न है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी निकालना हो, तो अभी थोड़ा देर हम लोग पहले पढ़े थे इसका, इस x² - x₁² y₂ - y₁² तो -5 और ये माइनस माइनस प्लस यानी +1² और y₂ क्या है 7 में से 3 घटाइएगा यानी 4² 16 16 और 32, तो 16 × 32 होता है, तो 32 का वर्ग 16 16 × 32 तो 16 का वर्गमूल 4 और 2 बच गया यानी 4/2, यानी दोस्तों इसका उत्तर होगा ये 4/2। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + 2x + -3 = 0 के मूलों का योग का मान होगा, तो जब भी मूलों का योग का मान पूछा जाए दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a, तो दोस्तों आपका b का वैल्यू जो है 2 है प्लस में यहाँ पे, लेकिन सूत्र माइनस होता है, तो -2, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ x² में कैसे है 1, यानी 1, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा -2 ही आ जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा आपका ए -2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोला जा रहा है कि यदि द्विघात यदि बहुपद px = x²+7x+10 या शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो जब भी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो
तो सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है 10, और ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर में कैसा चल 1, तो 10 में एक से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 10 में एक से 10 ही आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि चारों चोरों चोरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। तो ये आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर जो लिखा जाता है, बीच वाला निकाला जाता है, उसको हम लोग माधिका बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। √5 एक क्या होता है, तो √5 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूल बिंदु से बीच की दूरी। तो मूल बिंदु से जब भी निकालना हो तो एक फार्मूला होता है √x² + y² तो x का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 + 25 कितना हो जाता है रूट, तो 5 6 11 के 1 हो गया, और 3 1 4 यानी √41, यानी उत्तर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, असमान, समान, दुगनी, आधा। तो बाह वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है, यानी आंसर हो जाएगा समान, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 24 cm, आधार की त्रिज्या 6 cm और शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन जब भी निकालना हो दोस्तों, तो शंकु का आयतन 1/3 π² h होता है, 1/3 π, और आर का स्क्वायर यानी आर का वैल्यू कितना है 6 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दीजिए, और एच यानी एच का वैल्यू 24 है, 3 × 6 तो 2 × 6 × 24, और यहाँ पे पाई है, 1 π बचा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए पाई, 3 सबको गुना करने पर हमारा क्या आएगा 288, और पाई 288 π, यानी आंसर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की जब भी प्रायिकता पूछा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा एक, निश्चित घटना की प्रायिकता एक ही होता है। 1 cot² θ का मान होता है, ये जो होता है cot 1 cot² का जो होता है cosec स्क्वायर का, ये इतना का जो सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है, cos π/3, पाई का मतलब होता है 180 / 3, 3 से काटिएगा तो कितना होगा 60, यानी कि cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगले पार्ट को देखें।